हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरे यहाँ पौधों का कुछ व्यू। तो ये देखिए मनी प्लांट है और कुछ ये सीजन प्लांट हैं, तो यहाँ लगाए हुए हैं मैंने। तो ये भी एक और मनी प्लांट यहाँ पर जो जल्दी ग्रो कर जाते हैं वो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए आई हूँ मैं सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो चिकपी है यहाँ पर, मतलब कि छोले। तो जो मसाला मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पर ग्राइंड कर रही हूँ। चार टमाटर, पाँच से छः यहाँ हरी मिर्चें ली हैं, और ये छोले मैंने उबाल लिए हैं, और एक डेढ़ इंच मैंने यहाँ पर अदरक ली है। तो यहाँ कढ़ाई में तेल डाला था, तेल में हींग ऐड की है, उसके बाद थोड़ी सी दालचीनी और एक मोटी इलायची, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गया है हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा। तो इसको अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे, उसके बाद जो हमने पेस्ट ग्राइंड किया तो वो यहाँ ऐड कर देंगे। चार टमाटर, पाँच से छः हरी मिर्चें, और एक से डेढ़ इंच जिंजर, जो कि अदरक, प्याज और लहसुन का यहाँ यूज़ नहीं किया है मैंने, क्योंकि नवरात्रे हैं तो इसीलिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो सोचा क्या बने, सब्ज़ी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए चिकपीस छोले यहाँ पर बना लिए थे। तो अच्छी तरह से जो पेस्ट है इसको डाल दिया था मैंने ऑयल में, उसके बाद इसको अच्छी तरह से खदकने देंगे। ये देखिए टमाटर में से पानी रिड्यूस होता है, तो यहाँ पर उसको अच्छी तरह से मैं पहले पानी को सुखा लूँगी, उसके बाद यहाँ नमक ऐड कर दिया ताकि अच्छे से पक जाए टमाटर। और यहाँ पर ये देखिए टमाटर में से जो ऑयल है वो अच्छी तरह सेपरेट होने लग गया है, बहुत ज़्यादा खदक रहा था तो इसमें मैंने ढक्कन लगा कर इसको पकाया। तो ये देखिए इस तरह से खदक रहा है, तो इसमें मैंने कम हो गया था खदकना, उसके बाद मैंने यहाँ स्पाइसेस ऐड किए हैं। हाफ टी स्पून करीब हल्दी और एक से डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है। तो स्पाइसेस यही ऐड किए हैं मैंने, बाकी छोले मसाला ऐड किया है, आगे वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से स्पाइसेस को डालकर चला लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये देखिए किस तरह से बबल साइड से आ रहे हैं, और ये रेड रेड ऑयल की जो परत आपको दिख रही होगी, ऑयल बिल्कुल पक चुका था और साइड में से भी सेपरेट हो रहा है। ये देखिए बबल्स, ये देखिए चना मसाला मैं ऐड कर दूंगी इसमें, छोले मसाला, चना मसाला 1 टेबल स्पून के करीब आपको इसमें ऐड करना है। तो ये अब मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पका लूँगी, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से इसे भी एक सॉटे कर लूँगी, अच्छी तरह से एक मिक्स दे दूँगी मसाले को। उसके बाद यहाँ पर जो हम अपने छोले इस ग्रेवी में ऐड करेंगे, तो ये देखिए इतनी अच्छी तरह से ग्रेवी पक रही है। उसके बाद यहाँ पर मैंने छोले ऐड किए हैं, तो ये देखिए आगे मम्मी वीडियो में आपसे कुछ कहना चाहती हैं, मैं और मम्मी दोनों ही। तो जो भी हो रहा है आजकल उसके उसको देखते हुए आगे मम्मी और मैं आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले डाल दिए थे ग्रेवी में, इसको भी अच्छे से एक मिक्स दे देंगे ताकि सारी ग्रेवी अच्छी तरह से लग जाए, और जो भी स्पाइसेस हमने डाले वो छोलों से अच्छी तरह से, जो भी छोले हैं उनको अच्छी तरह से मैं एक मिक्स दे दूँगी ग्रेवी में। तो ये पानी ऐड कर दिया ग्रेवी के अनुसार, यहाँ पर थोड़ा सा 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड किया है ढक्कन लगाकर, मैंने इसमें 4 सीटियाँ लगाई हैं। और यहाँ देखिए आगे वीडियो में मम्मी और मैं आपसे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घरों में होंगे, खुशहाल होंगे। तो दिल्ली में तो लगा हुआ है वीकेंड्स कर्फ्यू, तो सैटरडे संडे को कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पर। तो यहाँ स्टार्टिंग जस्ट कल से ही हुई है, फर्स्ट डे कल था, आज सेकंड डे है, तो यहाँ कुछ पता नहीं है, कुछ आगे भी बढ़ जाए। और मैं वहाँ बैठी हूँ जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है आने में, बाद में बताऊँगी क्यों लगता है, अभी नहीं, कंफर्ट जोन में जाने के बाद। तो यहाँ आई मम्मी से मिलिए। तो
तो जैसे कि कोरोना यहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा बॉम्बे में है, लेकिन दिल्ली में तो इतना न्यूज़ भी देखने में डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पंखा थोड़ा सा इरीटेट कर रहा है मुझे। खैर छोड़िए, तो बताइए आपका गला अब कैसा है? मेरा गला बहुत अच्छा है, अब ठीक है। कफ था, मम्मी कफ को पहले कफ था बहुत था, ज़्यादा, गला जुकाम खराब हो गया था, था, कोल्ड हो गया था जुखाम हो गया आपको? था। बताओ बस कैसा ऐसे है ही अब गला? रेगुलर जो रूटीन के काम होते हैं बस उसी दौरान, जो है क्या नाम है, अभी 3-4 दिन पहले मुझे ऐसे ही कफ और कोल्ड हुआ, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा हो गया कि बस सांस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया था। और और उसके बाद जो है क्या नाम, मैंने क्या किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन मुझसे नहीं रहा गया, और मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, और बस यही था, फीवर नहीं आया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, टेस्ट वगैरह, टेस्ट कैसा था? इसके बाद मैंने क्या किया कि रात को सोते वक्त, तीसरे दिन रात को, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना अपने क्या नाम है गले पे थोड़ा सा सेक लगा देती हूँ, गर्म कपड़ा लेके, और मैंने यहाँ सेक लगाया अच्छे से, 5 मिनट, 6 मिनट, 5-7 मिनट लगाया होगा। उसके बाद जाके मुझे थोड़ा सा, मेरे को नींद आई है और मैं सो पाई पूरी रात अच्छे से, और अगले दिन जा करके फिर भी, मतलब ये कि उस रात जो था उस दिन बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये कि वो जो सिकाई करने के बाद मेरे को अगले दिन ना पूरा दिन मेरे को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहा, और शाम होते होते अगले दिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। और मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा इस तरह से भी करके देख लीजिए, हो सकता है कि थोड़ा सा उससे कफ कोल्ड अगर जैसे हो तो उससे वो थोड़ा सा ठीक हो। निजात मिल जाए, और तो आप ज़रूर करके देखें, क्या पता उससे थोड़ा सा आराम मिलता है, ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग ठंड में तो कर लेते हैं, गर्मी में भी थोड़ा सा ये लगता है कि अब क्या सिकाई करे, गर्मी तो वैसे ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप करके देखिए, हो सकता है उससे थोड़ा सा आराम मिल जाए। और अब इनके पापा हैं, उनको भी थोड़ा कफ और कोल्ड अभी है, थोड़ा वो नीचे वाले फ्लोर में है, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, हाँ अभी लेकिन तो फिर भी ठीक वो है घर में फिलहाल। है, रह कर के भी उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं, और उनको भी जुकाम है, छींकें आ रही है बार बार, खांस रहे हैं, लेकिन ये है कि अब मैं भी उनको ये सोच रही हूँ, वो उनका करीब हो गया 4 दिन पहले उनको फीवर था, मैंने उनको बोला था दवाई ले आए, दवाई लेकर आए उन्होंने, अब फीवर तो नहीं है लेकिन ये कफ और कोल्ड जबरदस्त हो रखा है इस टाइम पे, और मैं शाम को सोच रही हूँ वही करूँ कि मैं उनको सिकाई कर दूंगी, तो थोड़ा सा क्या पता उनको थोड़ा आराम आ ठीक हो जाएगा, जाइए। तो यही हो और सकता है। और बाकी जो दुनिया में हो रहा है और अपने यहाँ इंडिया में हो रहा है, वो तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है, और क्या इतना ज़्यादा हो बताएं, रखा है कि भगवान जाने क्या बहुत होने वाला है आगे ज़्यादा आने वाले टाइम में। वही टाइम दोबारा लास्ट से ईयर आ तो रहा फिर है। भी हम लोग ठीक थे, हमने समझ लीजिए कि ऐसा कोई जहाँ सिम्टम ऐसे नजर सिम्टम ही तो नहीं यहाँ आए तक थे पहुँच हमें, ही नहीं पाए थे, आसपास दूर दराज के लेकिन मेरे अब तो ये इलाके में था, इतना सुनाई दे रहा था, लेकिन बहुत ये है कि ज़्यादा वायरल है, वायरल होके बहुत इतना फैल रहा है बहुत ज़्यादा। ज़्यादा, लेकिन इस बार ना कि ऐसा लगता है जैसे ये वायरस हवा हवा से से हवा भी में हाँ लोगों तक फैल रहा है, इतना ज़बरदस्त है इसका, मतलब जो असर है, और इतनी जल्दी और इतनी जल्दबाजी से ये फैल रहा है ना, जल्दबाजी में कि बस क्या करे क्या ना करे हर इंसान, हर दूसरा इंसान, और मुझे लगता है कि हमारे मोहल्ले में हर दूसरे इंसान को, मुझे लगता है हर तीसरे चौथे वायरल वो होगा ही है, वायरल हो गया है इस तरह होगा से ये ही। चीज़। और और इसके प्रिकॉशंस आप पहले जैसे ही फॉलो कीजिए, डबल हाँ लेयर्ड मास्क यूज़ कीजिए, क्योंकि और मास्क जहाँ से भी आ रहे, अगर आप वैसे मास्क यूज़ कर रहे हैं तो पीपी किट वाले, तो उनको प्लीज़ थ्रो कीजिए एक बार यूज़ करने के बाद। पहले के प्रिकॉशंस ज़रूर उससे ज़्यादा फॉलो कीजिए। बच्चों को तो प्लीज़ बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि और मेरे न्यू ख्याल बोर्न से, बेबीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बहुत उनको हो रहा मेरे है। ख्याल से मुझे तो ये लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए, चलो आज है कोरोना चला जाएगा, अभी पूरा साल पड़ा हुआ, पता नहीं क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरे साल भर के लिए ना ये तो बिल्कुल कर देना चाहिए कि मतलब कि नमाज तो फेस से बाहर निकलने के दौरान ना बाहर बंदे का निकले ही ना, और निकले ही लगा कर ना ही निकले, अगर वो साल भर इस चीज़ को करेंगे ना, और 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये कोरोना उनका थोड़ा मतलब लिमिट में मेंटेन क्या होगा पता आ कुछ जाए, लेकिन तो, यार काफ़ी लोगों ने इतना मतलब लगा के ना चलना मास्क और यूँ ही घूमना, बिना हम हेलमेट के घूमना हाँ हम आजकल लोग तो जैसे मार्केट जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के कुछ लिए, भी हम नहीं काफ़ी है। लोगों को देखते थे कि भाई वो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, उनको अपना नहीं तो दूसरे का तो ख्याल करना दूसरों का चाहिए कम ख्याल से कम, करना यार फिर वो भी चाहिए। तो बंदा इफेक्ट होगा, हम लोग तो खैर होंगे ही होंगे, दूसरा भी होगा,
तो इस तरह से ही जो है लोगों ने अपना ही काम जो है ना खुद ही खराब किया है, और इस वजह से जो है इतना फैल गया है। लोग मास्क नहीं लगाना चाहते, भाई क्या हुआ, थोड़ा दिन के लिए बात है, फेस पे लगा लोगे तो आपका कोई फेस जो है ना वही रहेगा, अलग कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कि आपका भाई आप ही तुम्हारे पे सब बचोगे, कुछ खुद ही रहेगा। बचोगे आप, और सिम्टम और नहीं होंगे, बस ये था। प्रिकॉशंस पहले की तरह आप फॉलो कीजिए, जैसा भी है। प्लीज़ क्राउडेड एरिया में जाना बंद कर लीजिए, प्लीज़ ना जाएं। जो भी है अभी घर में रहकर कीजिए, और क्या पता आज रात को कुछ और और ही इस बार जो खबर मिले। कोरोना आया है ना, इतना पावरफुल होके आया है ना, बहुत जबरदस्त आया है, मैंने आपको बहुत बताया था ज्यादा। ना। ऐसा लगता है पानी में भी हो गया है, हवा में भी हो गया, चारों तरफ हो गया है, डर लगता है अब तो बहुत ज्यादा, क्या करें। तो इस वजह से जो अपना प्रिकॉशन जरूर लें, हाथ वगैरह साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, फेस में मास्क लगा के निकलें। और जा वैसे भी सैटरडे संडे लॉकडाउन हो गया है, और फिर नाइट कर्फ्यू तो है ही है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो है ना लोग फिर भी नहीं इस चीज़ को मान रहे हैं कि को मान मास्क रहे, लगाएं। इतना यार सब मास्क चीज़ हो लगा रही लो, है। कोई दिक्कत नहीं अरे होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट, वहाँ पर तक इतना हो रहा है, इतना जगह ही नहीं है। लोग जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जो मोमडन्स, जो मुस्लिम रीति रिवाज होते हैं, उनको फॉलो करके भी उनको किसी को यूं ही दफना दिया जा रहा है। फैमिली मेम्बर्स तक को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, मतलब या अरे कम से कम उस चीज़ को तो फॉलो कर लो, ताकि इस तरह की चीज़ों से तो बचे रहोगे, कितना भी वो कर लें कि, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। मैं तो उन सबसे अपील करती हूँ, आप प्लीज़ मास्क लगाएं, ज़रूर लगाएं, इसके बगैर सैनिटाइज़र तो आप बस। एक जैसे पानी की बोतल आप साथ लेकर चलते हो ना, सैनिटाइज़र भी आप इसी तरह से अपने साथ लेकर चलिए। क्योंकि क्या हो गया, ये पहले जैसे ही, पहले का टाइम जैसे लग रहा है कि 2020 दोबारा से 2021 में नहीं तब्दील हो गया, नहीं ऐसा 2020 पता फिर नहीं। भी ठीक था, फिर लेकिन जो भी 21 आया ना, वो वो तो बहुत दो ज़्यादा खतरे तीन की की घंटी बहुत है, ज़्यादा बहुत दिक्कत है। ज़्यादा। इतना आया है ना, वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके ना कोरोना अपना पूरा आ ही गया है, भगवान जाने क्या होने वाला है। अच्छे से लगता है ये और दिखने वाला हॉस्पिटल्स है, की अगर इंडिया भगवान में ना दिखने करे वाला है। कि किसी को देखने को मिले शक्ल, तो लेकिन अगर हॉस्पिटल्स देखो ना, तो एक के बाद एक डेथ केसेस सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतना इतनी हालत ख़राब है हॉस्पिटल्स और अभी की। आप लोग भी सोच रहे हो कि हम पास पास में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फिर भी ठीक हैं, घर में हैं, घर हम में कहीं हैं बाहर लेकिन, ज़्यादा जाते नहीं हाँ हैं, मार्केट जाते हैं सिर्फ सब्ज़ी लेने के लिए। सब्जी लेने के लिए, वो और भी उसमें भी बहुत ये कि हम लोग घर में आ करके चेंज किया, और हो कपड़े सकता चेंज है कर कि लेते नहा हैं, भी नहा लें, लेते लेकिन ये हैं कि बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी फ्रिज का पानी प्लीज़ अवॉइड कर अभी हम लीजिए, लोगों ने रखना बिल्कुल स्टार्ट नहीं ही किया रखना है। नहीं स्टार्ट किया हम लोगों ने। बिल्कुल ठंडा नहीं खाते, बिल्कुल जो भी फ्रिज में रखा भी होता है उसे भी रूम टेम्परेचर पे 1 घंटा बाहर रखते हैं, तब जाकर हम उसे अपने खाने में लेते हैं। बस यही था, और कुछ। यहाँ की लाइटिंग भी आपको ठीक नहीं लग रही होगी, मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, जैसे भी थे इसी तरह से वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, बहुत दिनों से नहीं, फर्स्ट नवरात्रि से एटलीस्ट नहीं आ रही है। तो बस यही था, मैं ही थोड़ी सी बिज़ी थी कि मेरे एग्ज़ाम है अगले महीने से। एग्ज़ाम्स हैं और यही क्लासेस हो रही है ऑनलाइन, तो मुझे उसमें रहना पड़ रहा है, इन नोट्स वगैरह है रहते हैं, तो बस यही कुछ घर का रहता है, बस यही है। आगे बेटे वीडियोस आप देखते रहिए, और प्लीज़। बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। रोहन की भी तो क्या नाम है, एक सब्जेक्ट रह गया था एग्जाम, जो है क्या जो नाम भाई है, है उसका भी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रह गया था, लेकिन फिर भी तो कह रहे अब कि वो पास हो शायद गया है। प्रमोट हो गया है नेक्स्ट क्लास में। ऐसा भी क्या, पढ़ाई नहीं कुछ नहीं, लोग अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, क्या होना है, समझ ही सब नहीं आ घर रहा है में है, कुछ। बच्चे मन मार के पढ़ नहीं रहे, अब पेपर भी कोई देने नहीं हैं पढ़ तो पा रहा। अपने हौसले से एक रख के वो पेपर देने भी जाते हैं, वापसी आकर के फिर पता नहीं अगले दिन क्या होगा, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, यही हो रहा है, आज रात और वही क्या चीज़ है। पता, संडे है आज, संडे की आज रात क्या पता, शायद लॉकडाउन लगने के आसार हैं, कुछ कह नहीं सकते। बढ़ भी जाए, मई तक हो जाए, जो भी है कुछ नहीं कह सकते। तो आगे वीडियोस में प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम दोनों आपके साथ ही हूँ, आगे वीडियोस में दिखते रहेंगे। व्लॉगिंग आगे से मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर, तो वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे जैसा भी है। हर बार और बोलते हैं हर लेकिन बार कुछ मैं ना बोलती हूँ कुछ हो लेकिन जाता कुछ है। ना कुछ ज़रूर हो जाता है, होता है कभी कभी। और वीडियोस यूं ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में और नए आप हैं लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब देख रहे ज़रूर हैं कीजिए, व्यूज, आप व्यूज़ क्या नाम बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लेकिन चैनल लोग को। आप देखते हैं ना, आप लाइक नहीं करते, ये गलत बात है। बेटी मेरी हाँ इतनी मेहनत करती है, कुछ भी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसका ना कुछ फायदा तो आप लोग देख रहे हैं,
तो आप प्लीज़ कुछ नहीं जाता, आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, आप उसको ऑन कर दीजिए, आपको जो है क्या नाम है कुछ नहीं करना है। तो मेरी ये आपसे जो है एक अपील है, और कुछ नहीं, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको लगता है कि हाँ हमें वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए, या आप जो भी हमें रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो हमें वीडियो में दिखानी चाहिए, तो हमें ज़रूर बताया कीजिए कमेंट के ज़रिए। तो मैं आपको आगे वीडियो में मिलती हूँ। तो ये देखिए छोले, सैलड, रोटी, सॉरी पराठा है, ये लच्छा पराठा मम्मी ने बनाया था, तो बिल्कुल रेडी है खाना, तो आ जाइए खा लीजिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ आ रही, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो जिस तरह से शहरों में ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होती जा रही है, तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने जहाँ आपको लगे, या गार्डन एरिया में या फिर जहाँ पर भी, तो वहाँ आप पौधे ज़रूर लगाएं, नीम के पौधे, या नीम का पेड़, या फिर पीपल है, बरगद है, इस तरह के पौधे ज़रूर लगाएं, ऑक्सीजन देते हैं। बोलो। और अब ये तो खैर है कि अभी वो फ़ायदा करेंगे, जिस तरह से ये जंगलों को काट काट के लोगों ने क्या नाम शहर बसाए ना, आज मुद्दा ये हो रहा है कि हम लोग जितना हमने कुदरत से लिया है ना, कुदरत अब हमको उनसे उतना ही ले रही है वापस, ले रही है, सही बात। तो इस वजह से जो है ना, वो समझ लीजिए कि एक तरह से ये बदला ले रही है, और वो होता भी ज़रूर है। और ये देख लीजिए कि आप अभी बरसात के मौसम में आप जैसे कहीं पहाड़ों पे देख लो, आए दिन कुछ ना कुछ दिखाई देता है कि कहीं बादल कभी कुछ हो गया, बादल पड़ गया, ये सब उसी वजह से है कि हम लोग पेड़ों को काट काट के ना बस सड़कें बनाए जा रहे हैं, शहर बसाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उसका क्या, अपने नेचर से ले रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, ये चीज़ है। क्योंकि पेड़ लगाए तो अब वो हमसे सूद समेत वापस ले रही है, कभी ना कभी तो वो लेगी ही ना, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा, ये तो खैर जो दौर है भगवान करे वो जल्दी से निकल जाए, जिस तरह से आया है से उस तरह से ही निकल जाए, और कुछ भी हार्म ना हो, किसी का भी ना हो, भगवान करे सब लोग ठीक से रहें। और बस मैं यही भगवान से प्रेयर करती हूँ कि बस सब ठीक हो जाए, पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। और बस कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है ना, क्या बोल, भगवान से तो बस यही नेक मनाएंगे कि भगवान जल्दी से इस कोरोना को ना दूर भगा दे जाए, और वो अपना जो है घर बसा ले, घर चला जाए दुनिया से, हमारी दुनिया से, और हम वो भी बिजी हो जाए, फिर से भी उसी तरह से जीवन जीने लग जाए अच्छे से। और कुछ नहीं है, बस क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ कहने को बचा ही नहीं है कि बस ये सब चीज़ें देख के, बाकी हम लोग अपनी हिम्मत ना हारें, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, जो ये मुसीबत आई है ना इसको मतलब हमने सबने मिलके लड़ना, टैकल तो करना ही पड़ेगा, अगर आई है तो हम सबको लड़ना तो पड़ेगा ही। तो इसी के देखते हुए यही वीडियो अब एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, व्लॉग में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, कमेंट में बताएं कि बाय बाय, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।